जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शरीर की कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो कैसे करी जाए। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके शरीर का एडी से लेके चोटी तक, यानी कि एडी से लेके चोटी तक जो है आप एक्सरसाइज कैसे करें, आपके जॉइंट एकदम मजबूत हो, और कोई ऐसी एक्सरसाइज हो जिससे लेके आपके जो पांव के जो नाखून है वहाँ से लेके आपकी ये जो मैंने जो चोटी रख रखी है यहाँ चोटी तक अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में अंत तक। आपको मैं कंप्लीट एक्सरसाइज आज जो बताने वाला हूँ वो आप कर सकते हैं। आप रनिंग करते हैं तब भी कर सकते हैं, आप एक रूम में भी बैठे हैं तब भी कर सकते हैं, आप रनिंग नहीं करते हैं तब भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो साउथ के सुपरस्टार हैं वो सारे ये एक्सरसाइज करते हैं। साउथ के जो सुपरस्टार जो एक्शन वगैरह करते हैं उनका डेली रूटीन में ये शामिल होता है। जैसे हम चाय पीते हैं ना, वैसे उन्हें आदत होती है रोज़ ये एक्सरसाइज करने की, तभी उनका जो शरीर है वो इतना लचीला होता है कि सारे वो एक्शन आसानी से शूट कर सकते हैं। तो आपको मैं वही टॉप सीक्रेट एक्सरसाइज जो है वो आज बताने जा रहा हूँ। तो लीजिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पैर से। हमें शुरुआत कैसे करनी है इस एक्सरसाइज की, तो आपके जो दोनों हाथ हैं और ये जो दोनों आपके पैर दिखाई दे रहे हैं इनको ऊपर उठाना है और पैर हाथों को ऊपर करना है। अभी हाथों को आपको ऐसे हिलाना है, ऊपर ले जाके आपको ऐसे हिलाना है। 30 सेकंड तक आपको ऐसे हिलाते रहना है और उसके बाद में आपको डाउन होना है। तो पूरा शरीर लचीला छोड़ देना है और आपके घुटने तक ऐसे टच करना है इनको, नाखूनों को। अगर ये भी टच नहीं होते आपको हाथ एरिया नीचे तक टच करनी है और फिर वापस खड़ा होना है। ऐसा कंप्लीट आपको 6 बार करना है। फिर आप हाथ ऊपर लेके जाइए, पैरों को ऊपर कीजिए और फिर इनको हाथों को ऊपर ऐसे हिलाना है। ऐसे आपको हाथों को हिलाना है ऊपर और फिर बिल्कुल शरीर छोड़ दीजिए और नीचे तक टच कीजिए, फिर वापस खड़े हो जाइए। ये आपको कंप्लीट 6 बार करना है। इसके बाद में जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको कमर पे अपने दोनों हाथ रखने हैं, एक पैर को आगे करना है और पूरा नीचे लेके जाइए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये 6 बार मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बताऊंगा, ये आपको सारी एक्सरसाइज 6-6 बार करनी है शुरुआत में, और जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अंत तक देखिए। आप पूरे कंप्लीट बॉडी की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको एक ये नीचे एक बार, एक बार ऊपर, ये 6 बार करना है। 6 बार नीचे, 6 बार ऊपर, फिर दाएँ बाएँ, ये भी आपको 6 बार करना है। ये करने के बाद में आपको पूरे राउंड लेना है घड़ी की तरह क्लॉक वाइज, फिर आपको एंटी क्लॉक वाइज लेना है। फिर इस पैर को पीछे कर लीजिए, ये पैर आगे कीजिए, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, 6 बार ऐसे करना है आपको। फिर इस साइड में आपको पैर को ऐसे करना है, पूरा जितना आप लेके जा सकते हैं लेके जाइए, फिर एंटी क्लॉक वाइज, फिर क्लॉक वाइज, ये 6-6 बार करना है। इससे क्या होगा, आपके जो यहाँ पे जॉइंट है, हम कई बार रनिंग करते हैं तो हमारे पैर ऐसे होते ही मोच आ जाती है, वो मोच नहीं आएगी, आपका जो पैर है यहाँ से फ्लेक्सिबल हो जाएगा बिल्कुल इजी। इसके बाद में जो हमारा दूसरा जॉइंट जो आता है वो है हमारे घुटने। इनके लिए क्या करना है, इसे बोलते हैं दोस्तों चोक पोजीशन, इसे बोलते हैं साउथ में, इसे चोक पोजीशन कहा जाता है। ये ऐसे ऐसे होती है, मतलब पैरों को आपको, ये जो पैर ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आपको ऐसे करना है और एक फिट का यहाँ पर गैप रखिए। हाथों को जो है एक यहाँ पर और ये पीछे वाला हाथ ऐसे, ये इसलिए रखना है क्योंकि कमर, जैसे हम टॉयलेट करने बैठते हैं वैसे हमें नहीं बैठना है, हमें बिल्कुल स्ट्रेच ऐसे बिल्कुल सीधे जाना है ऐसे, फिर वापस खड़ा होना है, पूरा खड़ा नहीं होना है, इतना ही खड़ा होना है, फिर वापस ऐसे नीचे जाना है, फिर वापस ऐसे खड़ा होना है। ये भी आपको कंप्लीट 6 बार करना है जब आप चोक पोजिशन पर आ जाते हैं। इसके बाद में आपको इसी पोजिशन में रहना है ताकि आपकी ये जो मसल्स है ये मजबूत हो सके। अभी जॉइंट हमारा जो आता है यहाँ के जॉइंट के बाद में हमारा जॉइंट आता है यहाँ से, तो ये जॉइंट हमें कैसे क्लियर करना है, कमर पे हाथ रखिए, पहले एक बार इधर, फिर सेंटर, फिर इधर, फिर सेंटर, फिर इधर, ये भी आपको कंप्लीट 6 बार करना है। ये होने के बाद में फ्रंट सेंटर बैक, फ्रंट फ्रंट सेंटर बैक, सेंटर फ्रंट सेंटर बैक, ये कर लिया। फिर आपको ऐसे घुमाना है, इसे लेफ्ट फ्रंट राइट बैक, लेफ्ट फ्रंट राइट बैक, फिर आपको वापस जो स्टार्ट करना है इसको ऐसे आगे राइट बैक लेफ्ट फ्रंट बैक, फिर वापस सेंटर। अभी आपको ऐसे घुमाना है इसको एक बार, ये मैं डांस नहीं सिखा रहा हूँ, ये एक लचीलापन जो आता है उसकी वजह से ऐसे घूमती है।
ऐसे गोल घुमाना है आपको, फिर इस साइड से आपको ऐसे गोल घुमाना है इसको। यहाँ से जितना आपका फ्लेक्सिबल होगा रनिंग में, आपके पैरों की जो ये आप बोलते हैं कि सर पैर हमारे कदम लंबे नहीं हो रहे, लंबे इस एक्सरसाइज की वजह से होंगे। आपको ये चोक पोजिशन नहीं छोड़नी है, ये हो गया, उसके बाद में ऐसे वापस। अब जो आता है हमारा ये जॉइंट हो गया, अब हमारा पेट आता है। पेट को हमें क्या करना है, ये पेट है आपको पूरा अंदर लीजिए इसको, फिर पूरी हवा भर के बाहर लीजिए, फिर पूरा अंदर लीजिए इसको, फिर पूरा बाहर। ये भी आपको कंप्लीट 6 बार करना है। याद रहे मैं जो ये खड़ा हो रहा हूँ, ये चोक पोजीशन आपको नहीं छोड़नी है। अगर आप चाहते हैं आपके घुटनों में दर्द ना हो कभी भी और एकदम मजबूत रहे तो। उसके बाद में पेट हो गया, अब आता है हमारा चेस्ट। चेस्ट को क्या करना है, पहले इस साइड सेंटर, इस साइड इधर सेंटर, इधर ये भी आपको इधर 6 बार, इधर 6 बार, ठीक है। उसके बाद में फ्रंट, हवा नहीं भरनी है, जैसे ऐसे भर लो आप, हवा नहीं भरनी है, बिना हवा भरे आगे पीछे सेंटर, आगे हवा नहीं भरनी है बिल्कुल भी, सेंटर पीछे, यहाँ पे सेंटर फ्रंट सेंटर, फिर लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर राइट, फिर सेंटर, फिर लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर राइट। उसके बाद में जो आपको है वही घुमाना है आपको, एक ऐसे इधर से आपको 6 बार और फिर इधर से भी आपको 6 बार। अगर ऐसे नहीं घूमता तो हाथ रख लीजिए यहाँ पे, ऐसे घुमा सकते हैं आप, ऐसे भी घुमा सकते हैं। ये जितना आप ऐसे घुमाएंगे आपका जो चेस्ट है वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से होगा। ये होने के बाद ये जॉइंट आपका रहता है। तो इन जॉइंट के लिए आपको क्या करना है, जैसे हम बाल्टी उठाते हैं, घर पे बाल्टी उठाते हैं, दोनों हाथों में बाल्टी हो, वैसे नीचे पूरी ताकत लगानी है और शरीर को ऊपर खींचना है और नीचे ताकत लगानी है, ठीक है। फिर ऐसे ताकत लगानी है ऊपर की तरफ, फिर पूरी ताकत नीचे लगानी है, फिर पूरी ताकत ऊपर लगानी है, ये भी आपको 6 बार करना है। फिर उसके बाद में ऐसे पूरे हाथों को पीछे लेके जाइए, फिर फ्रंट में आप पूरे ताकत से हाथों को लेके आइए, फिर घुमाना है ऐसे 6 बार, फिर ऐसे आपको घुमाना है, ये भी आपको 6 बार घुमाना है। उसके बाद में चोक पोजीशन याद रखिए, ये नहीं छोड़नी है आपको, भूल जाएंगे आप बार बार, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में आती है हमारी गर्दन। गर्दन के लिए दोनों हाथ यहाँ रखिए, पहले इस साइड गर्दन लेके जाइए, सेंटर में लाइए, फिर इस साइड, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर सेंटर, फिर फ्रंट सेंटर बैक, सेंटर फ्रंट बैक। अब क्या करना है, वही आपको राउंड लेना है ऐसे, फिर ऐसे, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी कंप्लीट बॉडी के पार्ट जो है ये ऐसे भाग रहे हैं, ये जॉइंट काम कर रहा है, गर्दने से हो रही है, सारे कंप्लीट जो पार्ट हैं वो यूज में आते हैं। तो ये एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीटली हमारी बॉडी की जब हम रनिंग करते हैं तब काम में ली जाती है। दोस्तों ये एक्सरसाइज करेंगे तो आर्मी रनिंग की जो है 1600 मीटर की, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट रहता है इस चीज़ का कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो लचीली रहती है और आपको जो है रनिंग स्टार्ट करने से पहले किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी बोल दिया जाए कि रनिंग करनी है, शरीर इतना आपका एक्टिव हो जाएगा कि आप एक बार तो ये भी सोच सकते हैं कि मैं सड़क पर लात मारूँ तो ये सड़क टूट जाएगी। खैर ज़्यादा हो गया, लेकिन आप में मतलब इतनी एनर्जी रहती है, आप मतलब इतना सोच सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर कि आपको बड़ा से बड़ा आपके सामने कोई काम है तो आप ये बोलेंगे मैं ये कर सकता हूँ। आप 1 क्विंटल की बोरी भी उठा सकते हैं अगर ये सारी एक्टिविटीज़ आप करते हैं तो। पावर इतना ज़्यादा आ जाता है इनकी वजह से कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और बात रही इन जॉइंट्स की, तो ये जॉइंट तो हम जब डिप्स वगैरह लगाते हैं तब हो जाते हैं, हम चिन अप लगाते हैं तब हो जाता है। अब बात रही इन जॉइंट्स की, तो ये जॉइंट आपको सीधे करने हैं और ऐसे पहले एक को घुमाइए, फिर दूसरे को ऐसे घुमाइए, फिर इसको ऐसे घुमाना है, फिर इसको ऐसे घुमाना है, ये हो गया। मैं यहाँ तक की एक्सरसाइज कर सकता हूँ, आप थोड़ा पास में आइए, आप देख सकते हैं कि इन एक्सरसाइज की वजह से, थोड़ा ऊपर कीजिए फ्रंट, इन एक्सरसाइज की वजह से मैं इतना मतलब अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकता हूँ कि ये जो आईब्रोज है ना, ये मैंने जो अभी वो जो सीन काफ़ी वायरल जो हुआ था, वो जो एक सॉन्ग था, कौन सी लैंग्वेज में था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आईब्रोज जिसमें ऊपर किए जाते हैं, ये मतलब सीन जो है वो दिमाग में घर कर गया था कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा।
तो मैंने इसकी एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज की वजह से थोड़ा आप कैमरा ऊपर रखिए, एक्सरसाइज की वजह से आप खुद देख सकते हैं कि ये देखिए आईब्रोज तक पे मैं अपने कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने कान हिला सकता हूँ, लेकिन मेरे जो मेरा शरीर है, आपने कभी फील किया है कि आपको गर्दन है? नहीं। आपने कभी फील किया आपके पेट है यहाँ पे? नहीं। लेकिन एक्सरसाइज करेंगे ना तब आपको पता रहेगा कि आपके शरीर में कौन सा पार्ट कहाँ पर है। आपको हर मतलब आप इतने एक्टिव रहेंगे कि ये चीज़ें तो नॉर्मल है, खैर मैं अपनी जीभ को अपने नाक पे टच कर सकता हूँ, ये सब हुआ है एक्सरसाइज की वजह से। मैं मुंह की एक्सरसाइज भी करता हूँ, जीभ की जो है एक्सरसाइज होती है 4 से 5 प्रकार की होती है, पूरे शरीर की चेहरे की 14 एक्सरसाइज होती है जो मैं कम्प्लीटली करता हूँ। आप भी ट्राई कीजिएगा, आप बोलेंगे कि जीभ लंबी है, इसमें जीभ लंबी जैसा कुछ नहीं है। मैं देखिए आपको करके दिखाता हूँ, ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्सरसाइज ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं अपने शरीर के साथ, अपने शरीर पे पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। ये देखिए आप करके देखिए, नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हमेशा से एक्सरसाइज कीजिए। ये देखिए आप टच कर सकते हैं, मतलब आप अपने पार्ट से आपका जो स्टेमिना है वो इतना मजबूत हो जाएगा इन एक्सरसाइज की वजह से कि आप खुद सोचेंगे कि यार मैं पहले कहाँ था। आपकी जो एज है, आपकी जब उम्र होगी 30 से 35 साल, तब आप 25 साल के लगेंगे, 10 साल का डिफरेंस होगा और शरीर एकदम एक्टिव होगा। आप वाइन ड्रिंक करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो किसी भी चीज़ का, खैर ज़्यादा मात्रा में हर एक चीज़ ले लेना शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, चाहे आप खाना भी 2 रोटी ज़्यादा खा लीजिए वो भी आपको तकलीफ़ देगा, लेकिन आप अगर किसी जो चीज़ है जो हानिकारक है, वो आपने सुना है चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसके गुरुदेव उसे जहर पिलाते थे, उसका भी उस पर असर नहीं होता था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके शिष्य में क्या काबिलियत है। खैर मैं जहर पीने का नहीं बोल रहा। तो दोस्तों बने रहिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो यार वो जो लाइक का बटन ना वो ज़रूर दबा दीजिए, और आप चैनल पे नए हैं और इसी प्रकार की एक्सरसाइज जानना चाहते हैं, 5 किलोमीटर की रनिंग के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो वो जो सब्सक्राइब का जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए और घंटी का निशान जरूर दबाइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन सब एक्सरसाइज की वजह से करते करते ही आपका आर्मी में सिलेक्शन हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर बहुत से भाई हैं जो कमेंट्स में बताते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा मेडिकल क्लियर हो गया है, मेरा रिटर्न बाकी है, मेरी मेरिट लिस्ट बाकी है, बहुत यहाँ दिल में खुशी होती है कि यार कोई तो लगा। जय हिंद, जय भारत।